अब अगर बात करें हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर जब कारोबार शुरू हुआ तो गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन वहीं गम में जहां तेजी है तो सीड ऊपरी स्तरों से फिसला है। गम तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर वायदा गम 10,000 के ऊपर अभी भी सस्टेन है, दिसंबर वायदा भी 10,000 के ऊपर है और अक्टूबर वायदा भी। सबसे बड़ी बात कि तीनों वायदा 10,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो 5,800 के ऊपर है, लेकिन आज लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ ग्वार भी दिखाई दे रहा है। तो ग्वार के अंदर अभी माना जा रहा है कि थोड़ा प्रेशर जो है वो बन सकता है। हफ्ते के कल आखिरी कारोबारी दिन हो सकता है थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दे, पोजिशन स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अंदर भारी उठापटक पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। एकदम से बाजार 10,000 के ऊपर जाता है और फिर नीचे जो है वो 9,700-9,800 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। तो जिसके चलते व्यापारी जो है अपनी ज्यादा लंबी पोजिशनें होल्ड नहीं कर रहे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हो सकता है कि दबाव गहराता हुआ दिखाई दे। तो ग्वार के अंदर फिलहाल जो है फिसलन बढ़ सकती है, एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी का भी जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ग्वार के अंदर जिन्होंने भी बाइंग किया वो एक बार प्रॉफिट बुक करें, फिर निचले स्तरों पर अपनी खरीदारी की रणनीति लेकर चल सकते हैं।